ऑडिशन देने आ रहे हैं हमारे हाजिर जवाबी एमडी अजूबा कपिल एज वेरियस कंटेस्टेंट्स, सरगुन एज परवाह खान और हमारा नया टैलेंट मुबीन एज 2-in-1 जज। Hi, how are you? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो जैसा हूँ सबको पता है। ये लो ना, एक संभालो। Oh my God, सुसु तो नहीं करेगा ना? सुसु कर सकता है, यहाँ पे कौन से लिखा है सुसु करना मना है। ए, एक बच्चा मुझे भी दो, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी बच्चे खिलाऊंगी। अच्छा, कल तक तो कह रही थी तुम्हारे पास दो दो फिल्में। हाँ, लेकिन एक सोहेल ने ले ली, कहने लगा देख के लौटा दूंगा। My God, इतना पुराना पंच। ये इंडियाज लॉस्ट टैलेंट है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है, यहाँ पुराना पंच नहीं चल सकता। हे भगवान, ये औरतों का यही प्रॉब्लम है, जहाँ देखो वहाँ बात ही बात करते रहती हैं। थैंक गॉड मैं औरत नहीं हूँ। आप दोनों आपस में बात करना बंद कर सकते हैं, कैमरा रोल होने वाला है। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, तुमने बता दिया। मेकअप दादा, लिपस्टिक उतार दो। डायरेक्टर या रोल, नेक्स्ट कंटेस्टेंट भेजिए प्लीज। मैं भी आ गया, ऑडियंस भी आ गई। जजेस कहाँ आए, कब कब आ रहे हैं जजेस? सारे जजेस यहीं बैठे हैं। ओह रियली, व्हाट अ फनी इंस्टॉलमेंट ऑफ द फनी स्टिकिंग। ओह, ये भी जज हैं, आज तो जो मर्जी कर लो, एपिसोड ढीला जाएगा जाएगा। हेलो, ए तेरे साथ कौन चिपके बैठा हुआ? ए, ओ हाउ आर यू अनुपम? इतने लंबे लंबे रखे, आधे उसको भी दे दो ना, मत कर कि पार्टी करते शर्म नहीं आती तुम्हें। सुनो, हेलो, बाल इधर कर, सुनता तभी नहीं है। हेलो, मेरे सुनो ना, अपना एक्टिंग स्कूल खोल के रखा है। हाँ, तो सिकंदर को डालो ना उसमें, ऐसा सिकंदर है, अपने देश में हारते रहते सिकंदर। खैर एनीवेज, हेलो छोड़ना, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप ये बताइए आप कहाँ से आए? मैं घर से, मामा ने भेजा, कहते जाओ इंडियाज़ गॉट टॉयलेट में। कहाँ है आपकी मम्मा? वो तो 3 साल से इंडिया में नहीं है। अच्छा, कहाँ रहती? ऐसे ऊपर। या सो सॉरी, शी पैक्ड अप। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे बेसिकली मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, लेकिन क्या जलंधर में छोटी मोटी चोरियाँ बड़ी होती थी, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया, मैं माइग्रेट होकर अमृतसर चला गया। अभी मेरे को कोई डर नहीं है, मैं खुल के बड़ी बड़ी चोरियां करता हूँ। ये बताइए, अगर आप यहाँ से इनाम की रकम जीत कर जाएंगे तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये शीरी फराद की निकल पड़ी ना, इनकी मैं वापस ले आऊंगा जहाँ से भी निकली है, मेरे को बता रहा हूँ कि मैं दोबारा से बनाऊंगा फिल्म। फिल्म बन चुकी है। तो बन चुकी, तो फिर उसकी सीडी डीवीडी गोल गोल ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नस्तनाबूद कर दूंगा इसको मैं। ए, सीडी तोड़ने से फिल्म खत्म नहीं होती? क्यों नहीं खत्म होती? अच्छा रियली? तभी मेरी माँ कहती थी बुराई को जितना मारो वो निकल निकल के कुछ के बाहर आती है। Oh God, it's an unbelievable person of the earth. अच्छा अच्छा, हम समझ गए। ये बताओ तुम, मेरे को टैलेंट है भी या नहीं? बहुत टैलेंट है मेरे में, ये तो अब आपकी किस्मत है, आपको क्या पसंद आता है। क्या करते हो तुम? मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ। एंजॉय के अलावा और कुछ करते हो? या आई एम अ डबिंग आर्टिस्ट। अच्छा, अरे बाबा होती है ऐसे, बड़े सारे काम होते हैं इंडस्ट्री में, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने आते हैं, आपको क्या लेना देना। इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है? बहुत सारा टैलेंट है मेरे मन में, 1000 पानी पूरी खा लेता हूँ। अच्छा, प्रोडक्शन वाले जरा इनके लिए 1000 पानी पूरी लाइए। ऐसे नहीं, जैसे आज 2 खाली कल 4 फिर 10, 6 महीने करके 1000 पेट पूरी अंदर, जस्ट एंजॉय। हमने आपसे आपका 6 महीने का डाइट प्लान ही पूछा, अभी कितना खा सकते हैं? अभी 200, लेकिन मेरे को पेमेंट पहले चाहिए, एडवांस पेमेंट, जो इनाम की राशि पहले चाहिए। क्यों? अब बाबा खाते वक्त फिर सीधा मेरे को अस्पताल निकलना पड़ता है, कौन पेमेंट मांगता फिर आप लोगों से? फिर जलन होती है उससे, आपको नहीं पता है, कभी खाई है तो उससे पानी पूरी? ओ माय गॉड, ये कोई टैलेंट है? अरे कोई टैलेंट हो तो वो दिखाओ ना। क्या टैलेंट तेरे को दिखाऊं? तेरे को पता मैं 24 घंटे पानी में रह लेता हूं। कभी रह चुके हो? अरे एक बार, हमेशा जब मेरी मम्मी मायके जाती तो 24 घंटे आती नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ वो गली की लॉक लगा के बाहर बारिश हो रही थी, 24 घंटे बारिश में बैठा रहा मैं। ओ माय गॉड, किसी का बच्चा रो रहा है? मेरा। तेरा रो रहा है? ओ गॉड रियली? इसको चुप कराओ ना बा। तुम्हें चुप कराना आता है? या आई नो हाउ टू चुप। कैसे? या अल्लाह मेरे को दो ऐसे, इसमें कौन सी बात है, पहले बंद कर दे बच्चा रोना, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मुंह पे हाथ रख लेना। ओहो, इसकी सांस रुक जाएगी। ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं। ओह गॉड, आई थिंक इट्स लीकिंग। ओह माय गॉड, वो लीकेज नहीं कर रहा है। क्या है? सुसु कर रहा है। लाओ मुझे दो, मैं संभालता हूं। लीक तो ये वाला कर रहा था, वो किस संभाला, तो सो रहा है, इसे पकड़। या ओह गॉड, तुम बच्चे भी संभाल लेते हो? हाँ। How sweet mother यार। Listen, तुम्हारी एज क्या है? Comes in 40। हाँ। बहुत अच्छा बोला तुमने। सुनो। हाँ। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम कहो तो मैं करवाऊँ, मेरी नजर में है एक अच्छा सा रिश्ता, लड़का बैंक में है। What? अरे बाबा लड़का बैंक में, उसकी बहन कॉलेज जाती है, तुम लोग शादी कर लो,
एंजॉय। ये बार बार तुम एंजॉय क्यों करते हो? अरे बाबा सूखा एंजॉय नहीं करते, थोड़ा ड्राई एंजॉय, ग्रेवी वाला ग्रेवी वाला एंजॉय। चने खाओगे? नहीं नहीं खाने हमें चने। खा लो मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए। ओ माय गॉड, लेकिन तुम्हारी माँ तो 3 साल पहले ही मर गई थी ना। चने बना के मरी, तेरे को क्या लेना देना। तेरे को पता जब उसने चने बनाए थे तो व्हाइट कलर के थे, बड़े बड़े काले हो गए। अरे एक बात बताओ, ये जो इनाम की राशि कितनी मिलेगी? 50 लाख। 50 लाख? What the hell is the butter is doing? Even you are having 3 children, even it's my turn and sir, you are 50 lakhs only. इससे ज़्यादा कौन बनेगा करोड़पति है? 5 करोड़ रुपए देते हैं वो लोग, और उस कर्तव्य भी कोई नहीं दिखाना पड़ता आपके शो की तरह। हाँ तो वहाँ पर 12 सवाल भी पूछे जाते हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। तो जब से आया हूँ 25 सवाल तो पूछ ही चुका, तू फुल्ले कहेंगे। क्या है? देखिए मुझे नहीं लगता आदमी टैलेंटेड है, प्रोडक्शन इसे प्लीज बाहर निकालिए। ए टैलेंट की बात किसके कर रही तू? क्या बोल रही तू? किसको बोली टैलेंट? क्या टैलेंट तेरे को बताऊं, इंडिया में कितना टैलेंट है? अरे टैलेंट की कदर तुम लोग क्या जानते, टैलेंट की कदर। अभी ये साइना नेहवाल को गाड़ी दी ना तुम लोगों ने, मेडल जीत के आई, तो मैरी कॉम को क्यों नहीं दी? उसके पास क्या ऑटो था पहले से, उसको क्यों नहीं दी? इतने वाला घुमाओ तेरे कान में, तेरे को पता चले टैलेंट किसको बोलते हैं। अरे टैलेंट देखना तो मेरे राइटर का जाके देख, जहां साले को पंच नहीं सूझा बीच में स्टायर को सेट दिया। तू क्या टैलेंट देखेगी? टैलेंट तो ये लोग बताएंगे किसमें कितना टैलेंट है। बताओ जरा किसमें कितना टैलेंट है, रख बच्चों को बीच में शामिल करने का। तो अर्चना कैसा लगा आपको इनका ये टैलेंट? कपिल आपको हम बहुत तारीफ करते हैं हम आपकी, और आप हमेशा हमें ऐसे एक्ट्स देते हैं कि हमें तारीफ करने पर आप मजबूर करते हैं। ये बहुत अरसे बाद एक ऐसा एक्ट था जिसमें एक्चुअली हंसने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, हालांकि द कपिल इज़ देयर ऑन स्टेज, बहुत ज़रूरी था ये होना, क्योंकि ऑडियंस को ये मालूम तो पड़े कि जिसको आप ब्रिलियंस कहते हैं वो ब्रिलियंस ऐसे ही नहीं आती, उसमें मेहनत बहुत होती है और उसमें एक टीम वर्क होता है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स का सही पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ गुड एक्ट टू कम ऑन स्टेज। 3 of you, यू डिड योर बेस्ट बट द मटेरियल वॉज नॉट हैपनिंग। थैंक यू मैम। सोहेल, आई हैव सीन, मैंने देखा है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया काम करते हुए, इसके अंदर आपके पास कोई बेस ही नहीं था टू शो योर टैलेंट। पॉज नाउ, सोहेल विल स्टार्ट विद यू। 8 For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.